हेलो फ्रेंड्स, यदि आप वर्डपैड के सही तरीके से चलाना, वर्डपैड में दिए गए सभी ऑप्शन को सही तरीके से यूज करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको वर्डपैड सही तरीके से चलाना या कहें वर्डपैड में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड सिंपली माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। चलिए वर्डपैड स्टार्ट करने वर्डपैड ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले हम लोग वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड ओपन करने का सबसे आसान तरीका है, आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, विंडोज एक्सेसरीज पे जाइए। विंडोज एक्सेसरीज के अंतर्गत आपको वर्डपैड आपको मिल जाएगा। ये वर्डपैड यहाँ पे है, वर्डपैड पे आप आ गया। यदि आप विंडोज 7 यूज करते हैं फ्रेंड्स तो विंडोज 7 का इस तरीके से आपको ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना होगा। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको आल प्रोग्राम में जाइएगा। आल प्रोग्राम में जाने के बाद आप एसेसरीज के अंदर जाइएगा। एसेसरीज में आपको वर्डपैड ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा तरीका फ्रेंड्स वर्डपैड को ओपन करने का तरीका है, आप कीबोर्ड से विंडोज प्लस की यानी विंडोज के साथ आर बटन दबाइए, रन खुलेगा और यहाँ पे वर्डपैड टाइप करिएगा विदाउट स्पेस का, एंटर करिएगा, ये वर्डपैड आपको खुल जाएगा। तो ये वर्डपैड का हमारा इंटरफेस है। वर्डपैड के इंटरफेस में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स के ऊपर है हमारी जो पट्टी, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम आता है, नाम लिखा होता है। अभी चूंकि डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं है इसलिए डॉक्यूमेंट वर्डपैड आ रहा है। इस बार पर आप तीन बटन यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आप देख रहे हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारा टास्क बार पे चला जाएगा, अगर आप इसको करते हैं तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यानी छोटा बड़ा होगा। अगर आपको क्लोज करना है तो आप क्लोज कर देंगे। और ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हमारे के लिए पहला ऑप्शन जो है सेव के लिए है, फिर दूसरा है अंडू और रिडू, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब हमारा है फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंतर्गत हमारे पास न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट पेज सेटअप और एग्जिट है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले हम इसमें लिखते हैं। सपोज करिए आइडियल टेक्निकल, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखा। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम यहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, जूम कर लिया। अब हमें इस चीज़ को सेव करना है अपनी फाइल को, तो फाइल पे जाके सेव एज करेंगे। सेव एज पे करने पर हमसे लोकेशन पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा। तो फाइल का नाम हमने आइडियल टेक्निकल अपने चैनल का नाम मैंने दे दिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें सोचते हैं, सीखते हैं, कुछ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा वर्डपैड ट्यूटोरियल लिख दिया सपोज करिए। अब हमें इस चीज़ को भी तो सेव करना पड़ेगा। इस चीज़ को सेव करने के लिए नेक्स्ट टाइम हम सेव का यूज करते हैं। तो डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। सेव एज का यूज हम फाइल का नेम और लोकेशन देने के लिए करते हैं और सेव का यूज हम फाइल में उसी नेम उसी लोकेशन में जो चेंजेस किए रहेंगे जो आप अपडेट किए रहेंगे उसको सेव करने के लिए हम लोग सेव का यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले मैंने नोट पैड में भी आपको सेव और सेव एज में डिफरेंट में बताया था और ये भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं या जो लोग काम वर्क ऑफिसली वर्क भी करते हैं उनको ये दोनों में डिफरेंट नहीं होता है। तो आप क्लियरली समझ जाइएगा कि सेव एज का यूज फर्स्ट टाइम करते हैं, मीन्स जब फाइल का नाम और लोकेशन देना होता है उस समय, और सेव का यूज उसी नाम उसी लोकेशन में किए गए अपडेट को अगर आपको सेव करना है फ्रेंड्स तो आप सेव का यूज करेंगे। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई है, फाइल का मैंने नाम दे दिया है आइडियल टेक्निकल के नाम से।
अब इस फाइल को हमें, अगर एक नई फाइल हम बनाना चाहते हैं तो हम न्यू करेंगे। न्यू किया, अभी फाइल हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं न्यू फाइल में, जैसे हमने कंप्यूटर की डिफिनेशन लिखना है, कंप्यूटर इज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच कैन कैलकुलेट। अगर आप कंप्यूटर की डिफिनेशन बोथ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस, इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद सेव एज करने के बाद इसको मैंने नाम दे दिया कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर सेव कर दिया। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं सेव। अब हमें फिर से वर्डपैड को ओपन करते हैं, वर्डपैड हमारा खुल गया। अब हमें उसी फाइल को खोलना है जो अभी हमने बनाया है। देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो आपने रिसेंट यूज़ किए रहेंगे उसके लिस्ट आता है, क्योंकि हमने दो फाइल रिसेंट यूज़ किया है, एडल टेक्निकल और कंप्यूटर डाटा RTF का। तो इसमें से हम लोग क्या चुनेंगे, कंप्यूटर RTF या आइडियल टेक्निकल खोलना है, तो आप यहीं से खोल सकते हैं या आप ओपन से भी जाकर खोल सकते हैं। तो ओपन हमारा कंप्यूटर डॉट RTF है, इसको मैंने ओपन कर दिया फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद इसको हमने क्या किया, अब हम इसको करते हैं न्यू। एक फाइल हमने बना लिया, ओपन कर लिया, सेव कर लिया, सेव एज कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंट। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसमें और ज़्यादा लिख लेते हैं, इसके लिए हम कंट्रोल ए के, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल डी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ये सब सारी चीज़ें हम आपको आगे अभी बता रहे हैं। अभी हमारे पास मैटर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के पास आपके सामने प्रिंटर की एक लिस्ट खोल के आएगी। हमारे कंप्यूटर में दो प्रिंटर इंस्टॉल है, कैनन का और एप्सन्स का। यदि अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो इसमें शो करेगा। यदि आपके पास प्रिंटर कोई नहीं है तो आप इसमें से माइक्रोसॉफ्ट XPS चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आप कौन कौन से पेजेज यूज करना चाहते हैं, पेजेज लिख लीजिए। सभी से भी पेज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आल कर लीजिए, या किसी सेलेक्टेड को करना चाहते हैं तो आल। जैसे हमें केवल पहले पेज को करना है तो केवल पहला पेज करेगा। नंबर ऑफ कॉपीज कितना करेंगे, नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी करेंगे तो हर पेज का उतनी कॉपी आपको प्रिंट करेगा। अगर आपको सारी सेटिंग सही है तो आप यहाँ से अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अब चूंकि हमें प्रिंट नहीं करना है तो हम इसको प्रिंट नहीं देंगे। अगर आप प्रिंट दे भी देते हैं तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि वो फाइल आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो सपोज करिए हम इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम उस फाइल का कुछ प्रिंटर का नाम दे देते हैं, जैसे टेस्ट के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब वो फाइल हमारी सेव हो गई होगी, जाके हम मिनिमाइज करके उस फाइल को हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट नाम की फाइल आ गई। अब ये हमने इसको सेव किया हुआ था और आपने ध्यान दिया होगा प्रिंट के अंदर आपका प्रिंट भी ऑप्शन है, एक प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू देख सकते हो कि प्रिंट होने के बाद फाइल आपकी कैसे दिखे। यदि आपने प्रिंटिंग दे दिया बिना प्रिंट प्रीव्यू देखा है तो आप, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वह प्रिंट न हुआ हो तो आपका पेज खराब होगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट करिए। अब क्विक प्रिंट एक ऑप्शन है, अगर क्विक प्रिंट पे आप क्लिक कर देते हैं तो जो सेटिंग की होती है उसी सेटिंग पे प्रिंटिंग हो जाती है। यदि आपको अगर कोई दूसरी सेटिंग करनी है, तो आप हमेशा प्रिंट ऑप्शन पे करिए। प्रिंट क्विक प्रिंट अगर आप करते हैं तो पिछली बार आप प्रिंटिंग करते समय जो सेटिंग दिया होगा वह सेटिंग ले लिया होगा। तो आप प्रिंटिंग करते समय इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, फिर उसको प्रिंट करिए, अदरवाइज ये जो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज सेटअप। ऐसे नाम से ही क्लियर है कि हम अपने फाइल के पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पेज सेटअप पे हमने क्लिक किया, एक हमारे सामने एक विंडो खुली,
जिसमें पेज की साइज होती है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेज की साइज है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा यूज A4 करते हैं, तो हमने यहाँ पे A4 क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे सीट है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं करना है। आपको ओरिएंटेशन में दो तरह के ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, पोर्ट्रेट में देखिए लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, लैंडस्केप करेंगे तो लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप पे आप हर पेज पे प्रिंट नंबर, पेज नंबर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अनचेक कर दीजिए। लेफ्ट आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के चारों तरफ इतना मार्जिन छूटा हुआ है। आप लेफ्ट से 1 इंच है, आप इसको चाहते हैं कि 0.5 हो जाए, देखिए 0.5 हो गया फ्रेंड्स। अब आप राइट से चाहते हैं कि वो भी 0.5 हो जाए, ये देखिए 0.5 हो गया। टॉप से आप चाहते हैं कि 1.5 हो जाए और बॉटम से आप चाहते हैं 0.25 हो जाए, तो आप इस तरीके से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरीके से शो कर रहा है, आप ओके प्रेस कर देंगे। अब आप इस डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करते हैं तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए आपको कैसे दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से दिख रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये साइड का ज़्यादा दिख रहा है, तो हम जाके राइट मार्जिन समफेंसेस को चेंज कर दें क्योंकि हमारा फाइल हमारे सूटेबल नहीं है। अब पेज सेटअप आप क्लिक करिए, पेज सेटअप पे यहाँ से राइट जो है हम इसको थोड़ा सा 1.5 कर लेते हैं और टॉप से 1.5 इंच ठीक है, बॉटम से ये है तो इसको भी 1 इंच कर लेते हैं। अब ओके करते हैं तो थोड़ा सा बेटर हुआ। अब हम उसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा ठीक होगा। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले आप उसका पेज सेटअप करने के बाद आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिएगा। अगर इसी डॉक्यूमेंट को तुरंत आपको सेंड ईमेल में करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड के थ्रू आप वर्डपैड के प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। देखिए विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब सारे हमारे प्रोग्राम हैं, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। यदि प्रोग्राम अगर आपको क्लोज करना है, यदि आपने काम करना बंद आपका ख़त्म हो गया तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। यदि आपकी फाइल सेव नहीं हुई तो सेव के लिए पूछेगा, यदि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लीजिए, अदरवाइज डोंट सेव कर दीजिए, तो अभी हमें इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको डोंट सेव कर दिया, हमारी फाइल क्लोज हो गई। अब फिर से हमें ओपन करना है तो हम विंडोज प्लस आर करते हैं, करने के बाद आप देखिए वर्डपैड की विंडोज खुल गई हमारे सामने। अब हमें जो भी कुछ करना है, अगर एक नई कोई नई फाइल बनाना है तो काम करना शुरू कर देना है, अगर कहीं पहले से पड़ी फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, यदि अगर वो रिसेंट में है तो आप उसके एक क्लिक करके आप उस फाइल को खोल सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और अब हम इसके वर्डपैड के रिबन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी एरिया हमारा रिबन्स कहलाता है। रिबन्स पे दो टैब है, होम टैब और व्यू टैब। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी न हो इसलिए वर्डपैड ट्यूटोरियल सीरीज का आपको सेकेंड पार्ट मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आज हम वर्डपैड ट्यूटोरियल के सेकेंड पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम वर्डपैड के होम टैब, व्यू टैब के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोग ने फाइल और उसके बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग सीखा था। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्डपैड ओपन करेंगे। वर्डपैड जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप विंडोज प्लस आर करके वर्डपैड टाइप करके आप वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। इसमें होम टैब हमारा ये है, होम टैब आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, ये हमारे 5 ग्रुप हैं, यानी होम टैब 5 ग्रुप में बटे होते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर पहला ऑप्शन है पेस्ट कट कॉपी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन सब पहले लिख लेते हैं इसको बताने के लिए। जैसे हमने आइडियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमने लिखा, यहाँ पे प्रोसेस को हम जूम कर लेते हैं ताकि काफ़ी विजिबल हो। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पैटर्न को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वह जहाँ पर हम इसको ले जाना है वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट हम लेके जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाएगी,
सपोज करिए हम इस आइडियल को मैंने सेलेक्ट किया और उसको हमने कट कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हट जाएगी और जहाँ पे आप उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट कर देंगे तो। यानी कॉपी और कट दोनों में डिफरेंट है। कॉपी करते हैं तो मैटर जहाँ से आप कॉपी करते हैं वहाँ पे भी रहता है, और पेस्ट जहाँ करते हैं वहाँ पे भी चला जाता है। आप कट करते हैं तो वो मैटर जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ से वहाँ पे वहाँ से हट जाता है, और जहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं वहाँ वहाँ पे चला जाता है। ओके, हम इसको अंडू कर लेते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। अब हम इंफॉर्मेशन को, इसको हमने सेलेक्ट किया, अब इसका हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो हम यहाँ से हम इसको जो भी हमें अच्छा लग रहा है, सपोज कर हमें ये अच्छा लग रहा है वो चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे फॉन्ट साइज है, यहाँ से साइज हम चुन सकते हैं जो भी साइज है। यहाँ पे हम फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। इसे आपने एक क्लिक किया फॉन्ट बढ़ा, आप डिक्रीज वाले पे आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप इसको हटा सकते हैं, एक बार क्लिक करेंगे तो होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू कर दीजिएगा। ये हमारा है सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस, स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं। सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस का यूज जैसे कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें लिखना, जैसे केमिस्ट्री में जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमें H2O लिखना होता है, H2O लिखा मैंने, अब 2 हमारा नीचे होना चाहिए तो इस 2 को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे H2 कर दिया, तो ये H2O हमारा लिख दिया गया। नहीं, केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूला होते हैं वहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हैं। मैथ में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सपोज करी जेड स्क्वायर, तो इसको आपको लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे है। इसके लिए पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब हमें 2 को ऊपर ले जाना है तो 2 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट क्लिक कर दिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, फिर क्लिक कर दिया, फिर इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ से ये यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट है। यदि आपको मैथ में कुछ चीज़ें फार्मूला टाइप का टाइप करना है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, अगर केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों को करना है तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका जो भी टेक्स्ट कलर लेना है आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ऑटोमेटिक कर दीजिए, अगर आपको दूसरा कलर लेना है दूसरा ले लीजिए। इसके अलावा भी मोर कलर पे जाके आप जो भी कलर आप लेना चाहते हैं ओके करके आप ले सकते हैं। फिर इसके बैकग्राउंड का कलर भी आप ले सकते हैं, सब कुछ करिए ले लिए, तो इसे हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टैब आ गया पैराग्राफ, सॉरी नेक्स्ट ग्रुप आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में समझने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम कुछ लिख लेते हैं कि इस चीज़ को हमें अगर इफेक्ट को हटाना है तो नो कलर कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो सॉरी यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर दीजिए, साइज 10-11 रखिए। और ये चीज़ है, चलिए मैंने बताया था कि थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ये पैराग्राफ में हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम चाह रहे हैं इसका इंडेंट को हम थोड़ा डिक्रीज कर दें, ये पैराग्राफ में मैटर्स आया नहीं है, इसका पैराग्राफ में आया नहीं हो सकता, तो यहाँ से इसका फॉन्ट फेस भी फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर लें। हम एरियल ले लेते हैं जो हमारा नॉर्मल है, तो ये
ये मैंने लिखा। अब इसको हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल बी कर लेते हैं, अब ये कंट्रोल बी करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अब सारी इंफॉर्मेशन को हम इंडेंट के बारे में देखते हैं। ये इंडेंट अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये स्पीड बढ़ जा रही है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ करना है, बुलेट्स, एक लिस्ट में बुलेट सेट करना है, तो आप बुलेट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बुलेट में लिखना है, जैसे हो गया हमारा डे हो गया, तो मंथ हो गया। इस तरीके से अगर हमें बुलेट में कोई इन्फॉर्मेशन रखना है, वीक डे हो गया, ठीक है, और फेस्टिवल डे हो गया। अगर हमें इस टाइप का कोई रखना है तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे एक बार एंटर करेंगे तो आएगा, एक बार और एंटर कर देंगे तो चीज़ खत्म होगा। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो इस तरीके से ले सकते हैं, जिसे हमें डे वाइज को लिखना, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, ये सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे वैराइटीज दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे। से ABCD में रोमन अंक में लिखना है, आप रोमन अंक में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आप इसमें पैराग्राफ के बीच में जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बीच की गैप सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने इसको इतना सेलेक्ट किया, अब हमने 2 इंच कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं, जो लाइंस हैं, वो उसके बीच में गैप आ गया। हम लोग नॉर्मल रख देते हैं, 1 पॉइंट कर देते हैं, ये हमारा नॉर्मल पोजिशन है। अब ये हमारा है इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या यूज है देखिए, अब इसको हम खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट चुनते हैं, तो जो भी मैटर्स लिखेंगे वह लेफ्ट से लिखेगा। देखिए अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ वह मेरा लेफ्ट से लिख रहा है। फ्रेंड्स जो भी हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट से लिख रहा है। अब हम देखते हैं राइट क्या है। राइट से हम जो भी कुछ मैटर लिखेंगे वो देखिए हमारा राइट से लिख रहा है। यानी जो भी हम कुछ लिखेंगे वह राइट। यदि हमें इसका एक अलाइनमेंट्स है, सेंटर अगर हम कर देते हैं, वो जो भी हम लिखेंगे, जैसे हमने सेंटर में लिखा, देखिए सेंटर से सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा है। और ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा ये है, ये हमने कर दिया। अब हमने इसको सेलेक्ट कर दिया सबको, अब सबको हमें यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये हमने सेंटर कर दिया, राइट कर दिया, अब देख रहे हैं। और इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो गया है। आप पैराग्राफ के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपने सेट किया है, आप इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन, स्पेसिंग, ठीक है, अलाइनमेंट, आपको मैंने सारा बता दिया है। आप चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो आप इस विंडो से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट ग्रुप में हमारा पहला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर को अगर आपको इंसर्ट करना है तो कोई पिक्चर आप ले लीजिए, जैसे हमारे यहाँ कोई पिक्चर्स है, कंप्यूटर्स में मैंने रखा हुआ है, जैसे डिजाइनिंग के अंदर एक पिक्चर्स है, यहाँ पे पिक्चर्स मैंने ले लिया, सपोज करिए ये 2 पिक्चर्स, ये मैंने इसको इंसर्ट कर लिया कंप्यूटर्स में, ये हमारा पिक्चर्स इंसर्ट हो गया। अब पिक्चर्स की साइज को हमें छोटी बड़ी करनी है, तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर की साइज। ये 2 पिक्चर्स हैं, पिक्चर थोड़ी सी हैवी है, इसे थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो गया है, अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो हाईली ग्राफिक का है। अब हमें कोई पेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई पेंट से कोई ड्राइंग हमें बनानी है, तो आप यहाँ से कोई पेंट, देखिए पेंट क्लिक किया, पेंट खुला, और इसमें जो भी आप ड्राइंग बना सकते हैं। यदि आपको पेंट आता है तो कोई ड्राइंग बनाइए, अगर नहीं आता है तो हम आपको पेंट से रिलेटेड चीज़ें वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, आप उसको देख के पेंट को सीख लीजिएगा, पेंट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब हम पेंट ड्राइंग देखिए, पेंट पे बना हुआ ड्राइंग ऑटोमेटिक आ गया। एक बार हम फिर से देखते हैं, पेंट ड्राइंग पे जाएंगे
और यहाँ पे कोई शेप लिया, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ भी पेंसिल्स हैं और हमारा ब्रशेस भी है यहाँ पे, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं कलर ब्रश का जो भी रखना चाहते हैं रखकर आप इस पर क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो पेंट पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, जो भी आपने पेज पे वर्ड पेंट पे आपने जो भी बनाया वो वर्ड पैड में चला जाएगा। यदि आप अपने वर्ड पैड की फाइल में डेट एंड टाइम लेना है, और देखिए डेट एंड टाइम में कई सारे फॉर्मेट हैं, आप उस फॉर्मेट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, आप देखेंगे कि हमारा वो टाइम वो डेट आ गया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज हमारा बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम किसी दूसरे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को हम अपने फाइल में ले सकते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, एक विंडो खुलेगी, आप देख रहे हैं सारे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में जो जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है सारे प्रोग्राम आपकी लिस्ट दिख रही है। अब चूंकि फोटोशॉप भी है, कोरल ड्रा भी है, लेकिन आपको कोरल ड्रा फोटोशॉप नहीं आता है, जिनको आता है वो यहाँ से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब आप लोग को पेंट अगर ही हो जाता है तो पेंट पे मैं क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, अब हमारा पेंट खुल गया। अभी मैं बताया पेंट से आप कुछ भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप देखेंगे वर्ड पेंट की चीज़ें आ गई। तो आप अगर आपको अदर्स प्रोग्राम आते हैं तो आप उस पर क्लिक करके इसी तरह आप यहाँ पे ला सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल से, अगर आप किसी फाइल से कोई इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर करना तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। देखिए वो मैटर्स आपका जो भी उस फाइल के अंतर्गत रहेगा वो इसमें आ जाएगा। आप थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम, तो देखिए मैंने उस फाइल के अंतर्गत उस फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो सारा चीज़ें इसमें आ गया है। अब हमें इस स्टेप को पीछे ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू कर देंगे। अंडू के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ से भी ऑप्शन है, कहीं से भी या शॉर्टकट की यूज करके कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। फाइंड कुछ इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने वो क्लाइंट लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लेजी ब्राउन। अब इस लाइन को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फाइंड करने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास मैटर होना चाहिए। फाइंड हमने किया, अब हमें खोजना है डॉग। ये तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे डॉग है, लेकिन कुछ रियल लाइफ की अगर कोई अगर आपके पास हो तो आप उसमें कोई वर्ड खोजना हो तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे डॉग दे दीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट में खोजना चाहते हैं, मुझे डॉग खोजना है तो मैंने डॉग दे दिया। देखिए यहाँ पे डॉग मुझे मिल गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे डॉग लिखा हुआ है वहाँ पे वो चीज़ें हो जाएगा। मैच होल वर्ड ओनली, अगर आप इसको कर देंगे तो ये होगा, अगर आप मैच कैच कर देते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन अगर इसको आप कैपिटल कर लेते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैंने इसको डी को कैपिटल कर दिया, तो देखिए आपको कोई भी मिल नहीं करा, क्योंकि उसका केस मैच नहीं किया, मीन्स डी यहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे डी कैपिटल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो मैच केस को आप डिसेबल कर लिया जाए, डिसेबल करके किया करिए। मैच होल वर्ड ओनली, तो अगर आप इसको भी करते हैं तो कहाँ पे डीओजी होगा वही फाइंड करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा, तो आप इसको भी हटा सकते हैं और इसको कैंसिल करने के बाद कैंसिल करिएगा। अगर आप जो भी फाइंड किए गए हैं वर्ड आप उसको किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे करिएगा। और डॉग को सपोज करिए हमें मंकी करना है तो आप यहाँ से मंकी कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो यही डॉग चेंज होगा, अगर सारे डॉग को चेंज करना है तो आप रिप्लेस आप कर लीजिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी जहाँ पे भी डॉग लिखा था उसका टेस्ट, उसका नाम चेंज हो गया, वो मंकी हो गया। अब हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट ऑल क्लिक करने पे देखिए सारे जितने भी आपके पेज पे जो भी कुछ था वो सारा सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ सबको डिलीट कर सकते हैं, फिर से लाना है तो कंट्रोल जेड, मैंने अभी आपको बताया, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उसके साइज बढ़ा सकते हैं। कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल प्लस ए। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है, कॉपी का कंट्रोल सी, कट का कंट्रोल प्लस एक्स,
पेस्ट का कंट्रोल भी, ये बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट की है, आपको बिल्कुल ये माइंड में होना चाहिए। तो ये वर्डपैड का जो हमारा ट्यूटोरियल्स सीरीज थी आज यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। नहीं, अभी हमारा व्यू भी बचा हुआ है फ्रेंड्स। व्यू पे हम जाते हैं, व्यू पे देखिए हमारा जो टैब है वहाँ पे जूम और शो और हाइड और सेटिंग का भी ऑप्शन है। ये थोड़ी सी काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है तो आप पेशेंस करके आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए हमारा इसमें जूम में है जूम इन जूम आउट, ये है अगर आप 100% कर देंगे तो रियल हो जाएगा। और इस चीज़ को आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेटर लगे आप वहाँ से करिए। रूलर और स्टेटस बार, ये जो हमारा स्केल है वो रूलर कहलाता है, आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए वो हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं। ये जो नीचे वाली पट्टी है जिस पे आपने जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है उसको आप स्टेटस बार उसको हाइड और शो कर सकते हैं। वो मेजरमेंट यूनिट्स देखिए ये इंच में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर आप फिर से इंच में करना है तो इंच में कर लीजिए। वर्ड रैप कर देंगे तो आप देखिए फ्रेंड्स विंडो के इस तरीके से हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप रैप रूल करेंगे तो ये बेटर है, ये उन लोगों के लिए है जो कि देखना चाहते हैं कि कम एक विंडो में ज़्यादा ज़्यादा मैटर देखना चाहते हैं। लेकिन जब अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप हमेशा रैप्ड रूलर में करिएगा फ्रेंड्स। तो इस सेटिंग में वो वर्डपैड क्या व्यू का ये सारे ऑप्शंस हैं और बाकी करीब करीब हमने सारे चीज़ें पढ़ ली हैं। यदि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।